नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वच्छायानं नमो लोये सर्वसाधूनां मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारिणं प्रदानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैक चित्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने प्रवचन सार परमागम भगवान कुंदकुंद आचार्य देव की ऐसी कृति है कि जो जैन दर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ कहलाता है और विदेश की यूनिवर्सिटीज में भी जहां जैन दर्शन का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है वहां इस प्रवचन सार ग्रंथ को कोर्स के अंतर्गत रखा जाता है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक दो महाअधिकारों के बाद आचार्य कुंदकुंद देव ने चरणान योग सूचक चूलिका नाम का एक अधिकार स्वतंत्र अधिकार लिखा है। चूलिका का मतलब क्या होता है इसका फुटनोट में ही बहुत अच्छा अर्थ किया है कि जो शास्त्र में नहीं कहा गया है उसका व्याख्यान करना एक ये अर्थ होता है अथवा कहे गए का विशेष व्याख्यान करना या दोनों का यथा योग्य व्याख्यान करना ये चूलिका शब्द का अर्थ होता है। देखो यद्यपि प्रवचन सार चूंकि दिव्य ध्वनि का सार है तो दिव्य ध्वनि का सार क्या है कि दिव्य ध्वनि का सार है मोक्ष मार्ग है ना। तो मोक्ष मार्ग के रूप में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की पर्याप्त चर्चा हुई दो अधिकारों में, यानी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में सम्यक ज्ञान की चर्चा हुई और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में सम्यक दर्शन का अधिकार कहा गया। तो इन्हें सम्यक दर्शन का जो विषय है मैंने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक जानकारी है विश्व की व्यवस्था की तत्वार्थों की वो सारा वर्णन किया। और अपन पिछले कल के स्वाध्याय में भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि आचार्य कुंदकुंद ने इस ग्रंथ में साम्य भाव की प्रतिज्ञा की है ना। और साम्य भाव माने वितराग भाव, वो आत्म स्वभाव के अवलंबन से पैदा होने वाला भाव है। और जब साम्य भाव की विशेष वृद्धि परिणति में होती है सम्यक दर्शन के उपरांत तो विशेष वृद्धि में मुनिपना आता है। तो उस मुनिपने का चरणान योग चूलिका कहकर बहुत ही सुंदर विवेचन किया है। और यदि इस चरणान योग सूचक चूलिका का हम गहराई से स्वाध्याय करें तो मुनि धर्म के संबंध में हमारी अनेक प्रकार की जो भ्रांतियां हैं या जो हमारे चित्त में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं उन सारे प्रश्नों के समाधान अपन लोगों को इस चरणानियोग सूचक चूलिका से हो जाएंगे। एक बात बहुत अच्छे से समझ लें
कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है, इसके बदले जिनवाणी क्या कहती है हमें वो समझना है। और जिनवाणी की वो बात जिनवाणी के माध्यम से ही अपन लोग समझने का प्रयास करें। उसने ऐसा कहा था और वो ऐसा कहते हैं, इस तरह की बातें जब मेरे पास भी आती है तो मैं यही कहता हूं कि भाई साहब, अगर आपको ये लगता है कि हम क्या कहते हैं कि दूसरा वो व्यक्ति कह रहा था कि आपने ऐसा कहा, तो मैंने कहा आप सीधा हम ही से बात कर लो ना, तो जिनवाणी से ही बात कर लो ना कि जिनवाणी में क्या स्वरूप है, है ना। कि साहब पंचम काल होगा तो कि भाई साहब वो भी जिनवाणी बताएगी ना कि पंचम काल में क्या क्या विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, वो भी जिनवाणी बता देगी। अपने को जिनवाणी के बाहर जाना क्यों? क्योंकि ये जो जिनवाणी लिखी, ये जिनवाणी पंचम काल के संतों ने लिखी है, पहली बात तो ये समझ लें। चौथे काल में तो जिनवाणी लिखी नहीं गई थी, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के भी 500-600 साल बाद सर्वप्रथम जिनवाणी के लिखने की शुरुआत पुष्पदंत भूतबली आचार्य महाराज ने की, ठीक है। और उसके बाद ये जिनवाणी को लिखने का प्रवाह चला। उसके पहले सब गुरु अपने शिष्य को समझाते थे, शिष्य अपने शिष्य को समझाते थे, शिष्य अपने शिष्य को समझाते थे, और इस तरह की मौखिक परंपरा जिनवाणी की चली आ रही थी। जब आचार्य धर्मसेन ने यह देखा कि काल विकराल है और जीवों के ज्ञान बुद्धि क्षोभसम सब घटता जा रहा है, और यदि इस जिनागम को अब लिपिबद्ध नहीं किया गया तो ये जिनवाणी माता सुरक्षित नहीं बचेगी, भगवान की वाणी का विच्छेद हो जाएगा। तो उन्होंने उनको सर्वप्रथम ये विकल्प आया और षटखंडागम की रचना हो गई। उसके बाद गुणधर आचार्य के द्वितीय सूत्र स्कंद की परंपरा में भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने ये जिनागम को लिखा, जो धर्मसेन आचार्य ने पुष्पदंत भूतबली महाराज को जिनागम लिखाया था, मैंने उनके प्रेरणा से जो जिनागम लिखा वो षटखंडागम के रूप में लिखा गया। उसमें कर्म और आत्मा की कथनी थी, यद्यपि उसमें अध्यात्म था लेकिन उसमें से अध्यात्म निकालना साधारण प्रज्ञा का काम नहीं था। वो उस तरह का अध्यात्म था कि बहुत सारी बातें थी, उसमें से एक सूत्र उनने डाल दिया, गुणस्थानों का बहुत वर्णन किया और लास्ट में एक सूत्र डाल दिया कि भगवान आत्मा गुणस्थानातीत है। उस एक लाइन को बताने के लिए पूरा वर्णन किया, ऐसे ऐसे और समझना। और कुंद आचार्य भगवान ने भगवान आत्मा 29 बोलों से रहित, उसमें रंग राग और भेद इन तीन बोलों में सारे 29 बोलों का समावेश है ना, तो अति संक्षेप में अपने को मूल विषय पकड़ा दिया। तो ये घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि पंचम काल है तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि इस ऐसी किसी भी प्रकार की संभावना से आचार्य देव इनकार करते हैं। क्योंकि एक चीज समझ लो कि मुनि दशा का स्वरूप काल और क्षेत्र के आधार पर बदलता नहीं है। क्या कहा? जैसे अरिहंत का स्वरूप चौथे काल में जो था वही है, पंचम काल में या चौथे काल में कुछ और था और पंचम काल में कुछ और हो गया, नहीं होता ना। तो जैसे अरहंत का स्वरूप अपरिवर्तनीय है, उसी तरह मुनिराज का स्वरूप भी अपरिवर्तनीय है। वो आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जैसे निश्चय सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा है। क्या कहा? निश्चय सम्यक दर्शन का विषय कौन? कि त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, उसके आश्रय से ही निश्चय सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। इसी तरह व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय वीतरागी देव शास्त्र और गुरु होते हैं, और देव शास्त्र गुरु में पंच परमेष्टि सम्मिलित हैं।
तो जैसे निश्चय सम्यक दर्शन का विषय अपरिवर्तनीय है, पंचम काल में, चौथे काल में तो त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा निश्चय सम्यक दर्शन का विषय था, तो पांचवें काल में तो ऐसा होगा ना कि कुछ और मिला दो उसमें, तो उसका वो सम्यक दर्शन का विषय हो जाएगा। कि जैसे निश्चय सम्यक दर्शन का विषय तीनों काल और सर्व क्षेत्रों में, विदेह क्षेत्र में सम्यक दर्शन होता है तो कैसे होता है कि त्रिकाली भगवान आत्मा के आश्रय से, है ना, और अपने भरत क्षेत्र में कैसे सम्यक दर्शन होता है कि भगवान आत्मा में पर्याय मिला दो, अपने यहां मिल जाएगी ना पर्याय, अपन तो मिलावट वाले उसमें जन्मे है ना, देश में है ना, हर चीज में मिलावट खोरी है, तो यहां भी मिला दो। कि मिलावट का नाम अशुद्धता है, ये मत भूलना, मिलावट नहीं चलेगी। तो जैसे त्रिकाली ध्रुव में मिलावट नहीं चलती, इसी तरह व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय, देखो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ये पद है, क्या कहा, ये कोई व्यक्ति नहीं है। हम गलती कहां करते हैं कि हम इन पदों को व्यक्तियों से जोड़ते हैं, हालांकि इन पदों को कोई व्यक्ति ही धारण करता है, लेकिन ये पद हैं और पद उसमें किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी शिथिलता नहीं चलती है। इसलिए अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और इस बात को सिद्ध करने के लिए ये चरणान योग सूचक चूलिका है कि जिसमें आचार्य कुंद देव ने पंचम काल में मुनिराज का स्वरूप क्या होगा, अगर किसी को शंका हो कि पंचम काल में क्या स्वरूप होगा, तो ये शास्त्र पंचम काल में लिखा, शास्त्र की आज्ञा शिरोधार्य है ना, उसमें हम कुछ भी छूट देने का अधिकार नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि कुंद आचार्य देव ने किसी तरह की कोई छूट नहीं दी, कुंद आचार्य देव ने नहीं दी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में पंचम काल के लिए मुनि धर्म का स्वरूप अलग आया हो और चौथे काल के लिए मुनि धर्म का स्वरूप अलग आया हो, ऐसा रंच मात्र नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो ये भ्रांति अपने दिमाग में से निकालना कि चौथे काल में यह स्वरूप होता था और पंचम काल में ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कि संभावना पंचम काल में भी नहीं है। इसके लिए चाहे आप प्रवचन सार पढ़ो, चाहे मूलाचार पढ़ो, मूलाचार प्रदीप पढ़ो, अंगार धर्मामृत पढ़ो, ये मुनि धर्म के निरूपक शास्त्र है सारे के सारे, नाम बता दे रहा हूं, पढ़ लेना, स्वाध्याय कर लेना। एक आचार सार नाम का शास्त्र है, वीर नंदी सिद्धांति देव सिद्धांत चक्रवर्ती ऐसा कुछ नाम है उनका, अभय नंदी या वीर नंदी ऐसा नाम है, तो उनका आचार सार, पंडित आशाधर जी का अनगार धर्मामृत, वट्टकेर स्वामी का मूलाचार, सकल कीर्ति आचार्य का मूलाचार प्रदीप, प्रवचन सार परमागम का चरणान योग सूचक चूलिका, नियम सार का व्यवहार चारित्र अधिकार, और भी अनेक अनेक स्थानों पर अनेक अनेक प्रकार से वर्णन आया है। कार्तिकेयन प्रेक्षा में भी धर्म भावना के अंतर्गत मुनि धर्म और श्रावक धर्म का वर्णन मिलेगा। आगे बात सुनने, ये मैंने आपको इसके पहले की बात कही। अब अपनी जो कल कलश चला था, उस कलश के बाद श्री इस प्रकार श्रीमद भगवत कुंद आचार्य देव इस आगामी गाथा के द्वारा दूसरों को चरण माने चारित्र के आचरण करने में युक्त करते अर्थात जोड़ते हैं, है ना। चरणान योग सूचक चूलिका के पहले कौन से अधिकार लिखे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और गेय तत्व प्रज्ञापन। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके अंतर परिणति में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की शुद्धता प्रकट नहीं हुई है, अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, वहां श्राव का आचार और मुनि का आचार कोई भी आचार हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मिथ्या दर्शन के साथ
बाह्य में मुनिपने का आचरण धारण करने पर भी उस जीव को जिनवाणी असंयमी कहती है, बल्कि असंयमी नहीं कहती, असंयमी सम्यक दृष्टि से भी हीन कहती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, रत्न करंड श्रावकाचार में एक गाथा है, उस गाथा में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि मोही माने मिथ्या दृष्टि मुनि, निर्मोही माने सम्यक दृष्टि श्रावक से भी हीन है। ग्रस्तो मोक्ष मार्ग ग्रस्तो आता है कि नहीं आती गाथा, वो कि वो ग्रस्त जो सम्यक दर्शन युक्त है वह मोक्ष मार्ग में स्थित है, और मिथ्या दृष्टि मुनि वो संसार मार्ग में स्थित है। आपको एक बात और बताऊं, हालांकि वो प्रकरण दो तीन दिन बाद आने वाला है, लेकिन थोड़ा सुन लें, कोई बात नहीं, तीन दिन बाद और सुन लेंगे तो रिवीजन हो जाएगा कि टोटल मुनिराजों की संख्या 3.9 करोड़ मुनिराज होते हैं। और आपको पता है ये 3.9 करोड़ मुनिराज की संख्या तीसरे ये छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की संख्या का समायोजन है इसमें। इसलिए 3.9 करोड़ मुनिराज हमेशा विद्यमान रहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन कभी एक साथ मुनिराजों की संख्या हो तो 3.9 करोड़ मुनिराजों की संख्या तक हो सकती है। उसमें यह भी नक्की है कि जिस समय एक साथ 3.9 करोड़ मुनिराज होंगे तो उसमें छठे गुणस्थान वर्ती उस समय कितने, उस समय सातवें गुणस्थान वर्ती कितने, क्योंकि थोड़ी देर में बदल जाने वाली संख्या, क्योंकि छठे गुणस्थान वाले सातवें में चले जाएंगे और सातवें वाले छठे में आ जाएंगे। तो जिस समय यह संख्या है उस समय छठे गुणस्थान की, सातवें की, आठवें की, नौवें की, दसवें की, ग्यारहवें की, बारहवें की, तेरहवें की और चौदहवें गुणस्थान तक के मुनिराजों की संख्या, मैंने चौदहवें गुणस्थान तक गुरु संज्ञा है। अनंत भगवान हो गए ना, लेकिन उनको भी गुरु संज्ञा इस अपेक्षा 3.9 करोड़ मुनिराज। ये बात कहकर के आपके सामने क्या कहना है जरा सुनो कि मिथ्या दृष्टि की बात तो छोड़ो, अगर सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, चौथा अंतर में चौथा गुणस्थान और बाहर में मुनि बने का आचरण, संसार मार्गी नहीं है मोक्ष मार्गी है, लेकिन मुनि दशा के योग्य शुद्धता अंदर में नहीं है, तो जिनवाणी कहेगी चौथे गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी। सच में ये द्रव्यलिंगी शब्द इतना बदनाम हो गया या लोगों ने इसे इतना बदनाम कर दिया कि ऐसा लगता है द्रव्यलिंगी माने अछूत, जबकि ऐसा नहीं है। भाव लिंग पूर्वक का द्रव्यलिंग। और एक बात और समझना कि यद्यपि भाव लिंग पूर्वक द्रव्यलिंग होता है यह बात परम सत्य है, लेकिन जिस समय मुनि दशा अंगीकार की जाती है उस समय पहले भावलिंग नहीं होता, पहले द्रव्यलिंग होता है। और द्रव्यलिंग जब वो धारण करते हैं और द्रव्यलिंग धारण करके जब आत्म स्वभाव की साधना में माने सामायिक में विराजमान होते हैं उस समय ध्यान की दशा में उनको सातवां गुणस्थान पहले प्रकट होता है। और जब सातवां गुणस्थान की शुद्धि अंतरंग में प्रकट हुई तो जब चौथे और पांचवें गुणस्थान की दशा में बाह्य यथाजात रूप द्रव्यलिंग धारण किया था, भूत नैगम नय से उस द्रव्यलिंग पर द्रव्यलिंग का उपचार आता है। कब विजय भाई साहब, कब, कि जिस समय अंतरंग में वो शुद्धि प्रकट हो जावे। और कोई जीव जिसको ये लगे कि मैं स्वरूप की साधना में सातवां गुणस्थान प्रकट हो जाएगा और चतुर्थ गुणस्थान में वो मुनि दीक्षा बाहर की अंगीकार करे और सामायिक में बैठ जाए और उनको सातवां गुणस्थान नहीं आया, चौथा गुणस्थान ही रह गया, तो अंतरंग में चौथा गुणस्थान, बाहर में मुनि बने की क्रिया, यदि कोई उन मुनिराज से पूछे
आपका गुणस्थान कौन सा है, तो वे मुनिराज कभी भी छिपाएंगे नहीं, सीधा बोलेंगे मेरा गुणस्थान चतुर्थ गुणस्थान है। बाहर में मुनिपने की क्रिया यथावत पालन होती है, लेकिन अंतर में गुणस्थान चौथा है। बाहर में गुणस्थान मुनि दशा की क्रिया है, अंतरंग में गुणस्थान पांचवा हो सकता है। ख्याल में आया? शुद्धि के अनुसार गुणस्थान होते हैं ना, तो गुणस्थान पांचवा और बारहवें मुनिराज की क्रिया, वो भी छुपाएंगे नहीं। अरे किस समय आत्मा के ध्यान की स्थिति में बैठे और चौथे से सातवां गुणस्थान कब आ जाए, कुछ भरोसा थोड़ी है। अभी चौथा गुणस्थान है, मुनि दशा है, और फिर ध्यान में बैठे सातवां गुणस्थान आ गया। अरे कोई मिथ्या दृष्टि भद्र परिणामी जीव हो, मुनि दशा बाहर में अंगीकार कर ली, तत्व का निर्णय यथार्थ है, स्वरूप के ध्यान में बैठा, सीधा पहले से सातवां गुणस्थान आ जाएगा। ये नियम है करणानियों का, समझ लेना, है ना। लेकिन लेकिन पहले गुणस्थान वाले का, दूसरे गुणस्थान वाले का, तीसरे गुणस्थान वाले का, चौथे गुणस्थान वाले का और पांचवें गुणस्थान वाले द्रव्यलिंगी मुनिराज का 3.9 करोड़ मुनिराजों में समावेश नहीं है। इसलिए जब हम 3.9 करोड़ मुनिराजों की जय बोलते हैं, उसमें छठे गुणस्थान से लगा करके 14वें गुणस्थान तक के सभी भावलिंगी द्रव्यलिंगी मुनिराजों की, मैंने भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग धारण करने वाले मुनिराजों की जय हम बोलते हैं। घबराना नहीं। देखो जैन दर्शन में एक एक बात का समाधान है, यहां ऐसा नहीं चलता, है ना। हर तरह से पूरा है, इसलिए कल कहा था ना कि चरण के अनुसार द्रव्य द्रव्य और द्रव्य के अनुसार चरण, मैंने शुद्धि के अनुरूप ये भाव और इन भावों के अनुरूप अंतरंग की शुद्धि, यानी अंतरंग और बहिरंग का सुमेल। क्या मतलब इसका, देखो सुनो, कि अंतरंग में द्रव्य द्रव्य के आश्रय के अनुसार तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ, वो है द्रव्य, द्रव्यानुसार जो आया ना द्रव्य के अनुसार चरण, तो वो है द्रव्य। और चरण क्या है वहां पर, कि उस भूमिका में, उस भूमिका के योग्य सहज विकल्प होता है, 28 मूल गुणादि का विकल्प होता है, उन 28 मूल गुणादि के विकल्प को चरण बोलते हैं। तो भावलिंग पूर्वक इस चरण की, माने ये वास्तव में द्रव्यलिंग है, जो 28 मूल गुणादि का निरतिचार पालन, उसमें शरीर की नग्न दशा भी आ जाती है, क्यों 28 मूल गुणों में वो भी एक मूल गुण है ना, अचेलकपना है कि नहीं, तो वो भी आ गया, तो ये एक मूल गुण है। और इस मूल, इस तरह के मूल गुण के अनुसार अंतरंग में शुद्धि हो, तो चरण के अनुसार द्रव्य और द्रव्य के अनुसार चरण है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब जब भी मुनि दशा अंगीकार की जाती है, अभी आएगी विधि में, अभी इसी विधि की ओर बढ़ रहा हूं, कि जब जब भी मुनि दशा अंगीकार की जाती है, तो मुनि दशा अंगीकार करने में शुद्धोपयोग रूप सामायिक की प्रतिज्ञा ली जाती है। प्रतिज्ञा काय की होती है, शुद्धोपयोग रूप सामायिक की प्रतिज्ञा होती है, 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं होती। आपको यह समझना बहुत मार्मिक बिंदु है, 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती, कि भाई साहब 28 मूल गुण का परिणाम गिरती हुई भूमिका में आता है कि चढ़ती हुई भूमिका में आता है, जरा बताओ। सातवें से गिरेंगे तब वो परिणाम आएगा ना, छठे में आएंगे तो सातवें से गिर के आएंगे, या पांचवें से चढ़ के सातवें में जाएंगे, छठे में जाएंगे, कभी भी पांचवें से चौथे से चढ़ के सातवें में, छठे में नहीं जाते, सातवें से गिरने पर छठे में आते हैं। प्रतिज्ञाएं कभी भी गिरने की नहीं ली जाती, प्रतिज्ञाएं हमेशा चढ़ने की ली जाती। आया बिंदु समझ में, इसलिए 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं होती। कि साहब प्रतिज्ञा नहीं होती तो फिर ये होते तो हैं, कि सुनो
आचार्य भगवान दीक्षा के समय उनको उपदेश देते हैं कि तुम्हारा मुख्य कर्तव्य शुद्धोपयोग में रहना, वही मुनि दशा का उत्सर्ग मार्ग है और उसी के लिए मुनि दशा अंगीकार की जाती है। कल कहा था शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, ध्यान से सुनना, वही कर्तव्य है। लेकिन हम जानते हैं कि निरंतर शुद्धोपयोग की दशा में रह नहीं सकोगे, शुद्धोपयोग की दशा से नीचे आओगे तो अपवाद मार्ग के रूप में, अब ध्यान से सुनना ये बिंदु, क्या कहा, कौन सा मार्ग, कि अपवाद मार्ग के रूप में 28 मूल गुणों का पालन अर्थात राग की इतनी मर्यादा में रहना, ये तुम्हारे लिए अपवाद मार्ग है। ये राग की मर्यादा, 28 मूल गुण माने क्या है, राग की मर्यादा। अब थोड़ा सा एक बहुत थोड़ा सा खतरनाक विषय है, जरा सुनना कि मूल गुण क्या है, वीतराग परिणाम है कि राग परिणाम है। 28 मूल गुण जिसको विकल्पात्मक बात कर रहे हैं, छठे गुण स्थान की समय, अभी 91 गाथा नियम सार की 91 गाथा उसमें तो लिखा कि ये सब शुद्धोपयोग परिणति के नाम है। लेकिन अभी मूल गुण की हम बात करें तो मूल गुण राग रूप परिणाम है कि वीतराग रूप परिणाम, प्रशस्त राग रूप परिणाम है, सीधी सी बात है, घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, सत्य बात है। अभी एक बात बताओ कि राग यदि गुण होगा तो दोष किसे कहोगे, बताओ मुझे जरा। इंदौर वाले सब स्वाध्यायी लोग हैं आप, मैं अभी ये भी आपके सामने सारे समाधान करेंगे, गुण कहा है तो क्यों कहा है। सुशील जी भाई साहब तैयार होके बैठना, आप क्या कहा, गुण कहा तो क्यों कहा भाई, अरे राग यदि गुण है तो वीतरागता क्या है, मेरा प्रश्न है, अभी समाधान भी करूंगा, चिंता नहीं करो, पहले मैं प्रश्न रख रहा हूं आपके सामने कि राग यदि गुण है तो वीतरागता क्या है, राग यदि गुण है तो दोष किसको कहोगे। आया पॉइंट समझ में, आया पॉइंट समझ में, आ गया, आ गया। अब सुनो कि भाई साहब सच्चाई यह है कि जिसे हम गुण के रूप में कहते हैं, चरणान योग जिसे गुण के रूप में कहता है, अध्यात्म कहता है कि ये 28 प्रकार के चारित्रक चारित्र संबंधी दोष हैं। क्यों, क्योंकि अगर दोष नहीं होते तो गुण स्थान गिरता नहीं, गिरते दोष से हैं कि गुण से हैं, बताना जरा। अभी और बहुत सारे तर्क दूंगा अभी इसके, पहले दोष सिद्ध कर ले फिर गुण सिद्ध करेंगे, क्योंकि दोष सिद्ध करने में पसीना उतरेगा, गुण सिद्ध करने में नहीं उतरेगा। कि अगर ये गुण होते तो गुणों को बढ़ाया जाता है कि गुणों को मिटाया जाता है, बोलो, गुणों को बढ़ाया जाता है कि मिटाया जाता है। मुनिराज स्वरूप की आराधना करते हैं, स्वरूप की अनुभूति में बारंबार जाते हैं, पाप का अभाव करने के लिए नहीं जाते, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि पाप की मर्यादा पांचवें गुण स्थान के बाद नहीं है। जिसको हम पाप समझते हैं चरणान योग में भी, वो पाप पांचवें गुण स्थान के आगे नहीं है। तो जो मुनिराज सातवें गुण स्थान में और उससे आगे की भूमिका में आरोहण करते हैं वो किसका अभाव करने के लिए करते हैं, बताओ मुझे, बोलो, पाप का अभाव करने के लिए कि पुण्य का अभाव करने के लिए। हां, पाप का अभाव तो हो चुका, मुनि दशा छठे गुण स्थान में आए ना तो सर्वदेश पाप का त्याग हो चुका, अब कौन सा पाप छोड़ना है, आया समझ में, पुण्य का अभाव करने के लिए। तो जिसका अभाव करने के लिए मुनिराज स्वरूप की साधना में जाते हैं उसकी विद्यमानता को क्या मानते होंगे, अगर गुण मानेंगे तो अभाव नहीं कर सकते, और वो नहीं हो तो या तो पूर्ण वीतरागता होगी और या तो फिर पथ भ्रष्ट होंगे, ना पथ भ्रष्ट है ना पूर्ण वीतरागी है। क्यों, क्योंकि वो राग की मर्यादा है, आया समझ, बहुत खतरनाक पॉइंट है, लेकिन सुनना भाई साहब, गुण तो इसलिए कहा कि अंतरंग में 3 कसाई की चौकड़ी का अभाव है,
वास्तव में गुण तो वो है, उस गुण का उपचार इस प्रशस्त राग रूप राग की मर्यादित परिणामों में करके 28 प्रकार के गुण मूल गुण कहा है। किसका उपचार किया, किसका उपचार किया? अंतरंग शुद्धि रूप जो गुण है उस गुण का उपचार इस मंद कसाय रूप राग पे करके इसको गुण कहने का नाम व्यवहार है। और इसलिए ये व्यवहार से कहलाते हैं गुण। निश्चय से तो जितना राग है वो दोष है। इसलिए तो मुनिराज वीतरागता की साधना के लिए अपने स्वभाव की बारंबार आराधना करते हैं, बारंबार आराधना करते हैं। और इसको कहा अपवाद मार्ग, और सातवें गुणस्थान और उससे आगे की शुद्धि को क्या बोला, वो है उत्सर्ग मार्ग। और इन अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग की मैत्री को साधते हैं। क्या मतलब? कि सातवें गुणस्थान में नहीं रह जाता तो नहीं रह जाता तो छठे गुणस्थान में आते, तो छठे गुणस्थान में आगे करते क्या, करते क्या, कि सातवें जाने की तैयारी करते हैं। वो सातवें की जाने, सातवें में जाने की तैयारी में पल जाते हैं मूल गुण, तो मूल गुण को पालने का पुरुषार्थ नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई साहब? कि गुड़ होगी तो मक्खियां पलती है अपने आप, पालना नहीं पड़ता। अंदर में वीतरागता होगी तो ये प्रशस्त राग की परिणतियां, क्योंकि जो राग के अभाव के मार्ग पर चल पड़ा है, जो संपूर्ण वीतरागता के मार्ग पर चल पड़ा है, अरे उस जीव की भूमिका में राग की प्रशस्तता, राग की ऐसी मंदता सहज हो जाया करती है। और जो उनके भूमिका में राग की सहज मंदता है, उस राग की सहज मंदता का नाम 28 मूल गुण है। क्यों? तो अगर अब ध्यान से सुनना, अभी बहुत बिंदु है। तो अगर 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा हो तो क्या हो? कि जिस दिन मूल गुण नहीं पलेगा उसी दिन प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। क्या बात कर रहे हो साहब, मुनिराज मूल गुण तो पालते हैं। मैंने कहा एक टाइम रोटी, एक 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 बार आहार, और वो भी कर पात्र में खड़े खड़े आ रही, मूल गुण है कि नहीं? तो जिस दिन आहार नहीं हुआ या जिस दिन उनने उपवास कर लिया उस दिन एक मूल गुण खंडित हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? है? नहीं हुआ खंडित। आर नहीं किया तो मूलगुण खंडित हुआ कि नहीं हुआ? कि चार आज जमीन देख करके चलना, तो जिस समय बैठे हैं उस समय क्या कर रहे हैं? फिर इरिया समिति गई, अरे भाई साहब ये नहीं है स्वरूप। यदि आहार करने का विकल्प आएगा तो एक बार आहार करने का विकल्प आएगा, निर्दोष आहार करने का विकल्प आएगा, अनुदिष्ट आहार करने का विकल्प आएगा, वो भी कर पात्र में खड़े खड़े आहार करने का विकल्प आएगा। नहीं आवे तो विकल्प की अनिवार्यता नहीं है, विकल्प अनिवार्य नहीं है, विकल्प मजबूरी है। क्या कहा? विकल्प अनिवार्य, विकल्प तो मजबूरी है। स्वरूप में नहीं रह पाए तो विकल्प आ गए, स्वरूप से बाहर आए तो विकल्प आ गए। लेकिन भैया अगर वो आत्म स्वभाव की साधना में गए तो वास्तव में सच्चे मूल गुण पल गए। क्यों? क्योंकि मूल गुण एक ही है, आत्मस्वरूप की आराधना। और वो आत्मस्वरूप की आराधना अगर हो गई, स्वरूप में चले गए, सारे मूल गुण पल गए। बोलो उस समय हिंसा झूठ चोरी कौन सा भाव है, क्या है उसमें? कुछ नहीं। ये तो ये कि राग से, अगर राग की भूमिका में आए तो राग की भूमिका में किस तरह की मर्यादाओं में वो संत विराजमान होंगे, उनके राग की मर्यादा किस तरह की होगी, वो जरा समझ लेना बस। आप उसका ज्ञान कराया है एक बात। दूसरी बात कि छठे गुणस्थान का काल कितना और सातवें गुणस्थान का काल कितना। अब अपना अंतर मुहूर्त को अपन सीधा हिसाब में बांट लें। सातवें गुणस्थान का काल छठे गुणस्थान के काल से आधा है, और सातवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान का काल दुगना है। बराबर बराबर। अब अंतर्मुहूर्त जिस भाषा में अपने को कहना हो, सट खंडागम के अंदर यह लिखा
सटखंडागम धवला पुस्तक नंबर 4 पेज नंबर 353, किसी में 352 और किसी में 354, अलग अलग एडिशनों में आपको मिल सकता है। उसमें लिखा, कोई मुनिराज छठे गुणस्थान का पूरा पूरा काल कभी भी नहीं भोगते। क्या मतलब? ये गजब की दशा है। वास्तव में प्रमोद आना चाहिए कि हमारे मुनि भगवंत होते कैसे हैं। क्या गजब की दशा, बहुमान आना चाहिए उनके प्रति। होगा ऐसा विश्व में ऐसा कोई बादशाह जो हमारे मुनिराज से बढ़कर के हो? ये ऐसे होते हमारे संत, गर्व से हम कहते हैं कि हमारे संत ऐसे होते हैं कि छठे गुणस्थान की जितनी काल मर्यादा है उस काल मर्यादा के एक समय पहले पहले भी सही उनको सातवां गुणस्थान नियम से आ जाएगा। कभी भी कोई मुनिराज छठे गुणस्थान के काल को पूरा नहीं भोगते। भोग ले तो क्या होता है? तो आचार्य भगवान कहते गुणस्थान पहला होता है, चौथा नहीं होता, पहला होता है। इस सटखंडागम का वचन है। क्यों? क्योंकि छठा गुणस्थान प्रमाद का गुणस्थान है, सातवां गुणस्थान अप्रमाद का गुणस्थान है, प्रमत्त दशा का अंतिम गुणस्थान वो छठा गुणस्थान। आया आया? और अप्रमत्त दशा का पहला गुणस्थान कौन सा? के सातवां गुणस्थान। बोलो, प्रमत्त गुणस्थान तो प्रमाद में रहना, ठीक है उस गुणस्थान का उतना काल है, लेकिन पुरुषार्थी किसे कहते हैं? कि उस काल को पूरा होने के पहले पहले सातवें में छलांग मार जाए, उसका नाम पुरुषार्थी। नहीं करे एक दूसरी बात कि देखो भाई, जिस राग की हम बात करते हैं, प्रशस्त राग की भी 79 नंबर की गाथा में, इसी प्रवचन सार परमागम की 79 गाथा में आचार्य अमृतचंद्र ने बहुत कठोर बात कही। और वो कठोर बात क्या कही? क्या कठोर बात कही आचार्य देव के शब्दों में? सुनना है, सुनो। क्योंकि मैं आपको लगेगा ये तो पंडित जी खुद ही बोले जा रहे हैं, कुछ ही बोले जा रहे हैं, है ना। आचार्य भगवान के शब्दों में सुनो कि उन्होंने क्या कितनी बढ़िया बात कही। और अभी उसी बात को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, वो देखता हूं। देखो 79 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने ये कहा। कौन सी गाथा है 79, याद है ना? पिछली बार हमने चलाई थी 80 गाथा, याद है? 2 साल पहले मैंने चलाई थी यहां पे। आप लोगों को याद रहा हो कि नहीं रहा हो? मुझे तो याद है ना। तो वो 80 नंबर की गाथा चलाई थी, उसके पहले एक 79 नंबर की गाथा आचार्य भगवान ने लिखी। और उस गाथा में आचार्य भगवान ये बात कह रहे हैं जो अभी अपन ने बात कही। क्या बात कही? कि किसका त्याग करने के लिए मुनिराज तैयार हुए हैं, देखना। तो यहां पर 79 नंबर की गाथा में यह कहा कि अब सर्व साबद्ध योग को छोड़कर चारित्र अंगीकार किया होने पर भी मैं शुभोपयोग परिणति के वश होकर मोहादि का उन्मूलन न करूं। मुनिराज को कौन सा मोह बाकी है? दर्शन मोह बाकी है क्या? दर्शन मोह तो पहले ही अभाव हो गया। चारित्र मोह भी, मोह में भी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण संबंधी कषाय का अभाव हो गया, मात्र संजलन कषाय संबंधी थोड़ा सा राग शेष है। उसको कह रहे हैं कि मोहादि का उन्मूलन न करूं तो मुझे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, माने पूर्णता। शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का मतलब यहां पूर्णता की प्राप्ति कहां से होगी? इस प्रकार विचार करके मोहादि के उन्मूलन के प्रति सर्वारंभ माने सर्व उद्यम पूर्वक कटिबद्ध होता है। कटिबद्ध का मतलब समझे? कमर कस के तैयार लगा है, ये काम करने के लिए मैंने कमर कस ली है। तो ये देखो, अब इसमें पढ़ो जरा, जिसको खाली एक लाइन बताने के लिए ये मैंने गाथा खोली आपके सामने। देखो कि जो जीव समस्त साबद्ध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप
परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा करके भी। अरे आगे मत पढ़ो, अभी यहां तो रुको। ये प्रतिज्ञा अंगीकार करके भी, कौन सी प्रतिज्ञा अंगीकार करके भी, कि समस्त सावध्य योग के प्रत्याख्यान स्वरूप परम सामायिक नामक चारित्र की प्रतिज्ञा अंगीकार की थी। परम सामायिक नामक चारित्र, उसमें सर्व सावध्य योग का त्याग, ना मुझे पुण्य चाहिए और ना मुझे पाप चाहिए, पाप तो चाहिए ही नहीं, मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, प्रतिज्ञा तो यह धारण करी थी, ठीक है। करके भी धूर्त अभिसारिका यानी नायिका की भांति, मैं नहीं कह रहा हूं, 1000 साल पहले आचार्य अमृत चंद्र देव ने इसी भरत क्षेत्र की भूमि पर इस शास्त्र की टीका करते हुए ये शब्द लिखे थे। मेरे घर के नहीं है, बिजोलिया से लेके नहीं आया हूं, शास्त्र भी यही है, आपके यहां खुला के रखा है, इसलिए मैं तो अपना लेके आया हूं, लेकिन यहां भी खुला के रखा है, समझ में आया। दूर्त अभी इसका विश्लेषण नहीं कर रहा हूं सारा, शुभोपयोग परिणति के अभिसार मिलन को प्राप्त होता हुआ, अर्थात शुभोपयोग परिणति के प्रेम में फंसता हुआ, मोह की सेना के वशवर्तन पने को दूर नहीं कर डालता, तो क्या होगा कि जिसके महादुख संकट निकट है, ऐसा मैं, ऐसा वह, माने अपनी बात कर रहे हैं ना, बोलो क्या कहा, जिसके महादुख संकट निकट है, कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, अरे बोलो थोड़ा जोर से तो बोलो, हमसे अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं कि महादुख संकट निकट है, कि कौन सा महादुख संकट निकट है, कि भाई साहब यहां से मुनि दशा है, सच्चे भावलिंगी संत हो तो यहां से देह का परित्याग करके गारंटी से वैमानिक देव में जाने वाले नहीं, वैमानिक देव के अलावा कोई गति होगी, सम्य दृष्टि की नहीं होती तो मुनिराज की कैसे होगी, है ना। तो फिर वो कह रहे हैं कि महादुख संकट निकट है, कि क्या मतलब, कि सुनो, जिस अहिंसा महाव्रत को यहां धारण किया, अब सुनना, मैंने जो भी बात कही जा रही है ना भाई साहब, एक एक बात के पीछे आगम का इतना बल है, ये अपना बल नहीं है, आगम के बल से इतना बोलने की बात, नहीं तो ये ऐसा संवेदनशील विषय है कि इस पे बोलना भी खतरनाक है आजकल, आगम का बल है। मुनिराज कह रहे हैं कि यहां पर कौन सा महाव्रत धारण किया था, बताना जरा, कौन सा महाव्रत धारण किया था, एक एक महाव्रत की विश्लेषण कर लो, कौन सा महाव्रत धारण किया था, पहला अहिंसा महाव्रत, अहिंसा महाव्रत धारण किया, उस अहिंसा महाव्रत के शुभ विकल्प के फल में देवगति मिली, विकल्प रहा ना, निर्विकल्पता पूर्ण होती तो सिद्ध दशा होती, नहीं आया समझ में, पूर्ण वितरकता हो जाती तो अनंत दशा होके सिद्ध दशा होती। राग था, भूमिका में राग रहा, तो वो कहते उस राग के फल में हमें देवगति मिली। अब एक बात बताओ कि देवगति में अहिंसा महाव्रत बचा या अहिंसा अणुव्रत बचा, बताओ क्या बचा, हाँ, अहिंसा महाव्रत बचा या अहिंसा अणुव्रत बचा। तो अरे भाई, जिस अहिंसा महाव्रत के विकल्प के फल में हिंसा रूप आव्रत की प्राप्ति हो, देखो भले ही देवता लोग हिंसा करें कि नहीं करें, बाहर में हिंसा होती हुई दिखे कि नहीं दिखे, लेकिन देवता लोगों को अहिंसा महाव्रत की बात तो छोड़ो, अहिंसा अणुव्रत भी नहीं होता, क्या होता है, आव्रत होता है। तो बोलो, महाव्रत का फल अव्रत आया, इसे महादुख संकट निकट कहें कि नहीं कहें, ये तो समझ में आ गई बात है। आगे बोलो, आगे बढ़ो, अब एक और बता देता हूं, दो बता देता हूं, चलो, एक ब्रह्मचर्य महाव्रत, शील बाढ़ नव राख, है ना,
आप वो बोलते हैं ना पूजा में, कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, नौ नौ कोटि से ब्रह्मचर्य का यहां पालन किया था, ब्रह्मचर्य महाव्रत का शुभ विकल्प। भाई साहब स्वर्ग में गए, हाँ अभी देखो अहमिंद्र अभी उसकी भी बात करूंगा कि साहब वो तो ब्रह्म ऋषि हो गए। मैंने कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, सबका जवाब है। अगर पहले देवांगनाओं वाले देव हुए तो भाई साहब कम से कम 32 है ना, एक की हालत हम देख रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो 32 कम से कम 32 होती है कि नहीं होती है, बोलो। ब्रह्मचर्य महाव्रत का फल अब्रह्मचर्य आया कि नहीं आया, महादुख संकट कहें कि नहीं कहें। कोई कहे कि साहब अगर वो अहमिंद्र हो गए, अगर वो लोकांतिक देव हो गए, कि भले ही लोकांतिक देवों को हम ब्रह्मचारी कहते हैं लेकिन लोकांतिक देवों को ब्रह्मचारी कहना ये भी नाम निक्षेप है। अगर परिणामों की धारा की ओर से देखो तो ना उनको ब्रह्मचर्य अनुव्रत होता है और ना उनको ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। क्यों? क्योंकि अनुव्रत होने के लिए चाहिए पांचवा गुण स्थान और महाव्रत होने के लिए चाहिए छठा सातवां गुण स्थान और देवों को होता है चौथा गुण स्थान। बोलो ब्रह्मचर्य का फल क्या आया? अब्रह्मचर्य अब्रह्म अव्रत उसका फल आया। तो जिस व्रत का फल अव्रत आवे उस शुभ विकल्प को महादुख संकट निकट कहें कि नहीं कहें। आगे बढ़ो, मुनि दशा में शरीर पर वस्त्र का एक धागा नहीं, 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग किया, मुनि दशा अंगीकार की, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। इस 24 प्रकार के परिग्रह मतलब अपरिग्रह महाव्रत, यूं लो इसको कि इस अपरिग्रह महाव्रत के शुभ विकल्प का फल क्या आया? छोटे से छोटे देव का परिग्रह, विजय जी भाई साहब सही कह रहा हूं, जितने इंदौर के सेठिया लोग हो सब अपनी अपनी तिजोरी, अभी तो नंबर एक में सबको करना ही पड़ रहा है ना, तो अपना सारी प्रॉपर्टी बेच करके भी, रक लगा करके भी, बैलेंस शीट बना करके सारी प्रॉपर्टी को दिखा देना, जितने भी इंदौर के सारे सेठ लोग हो, सारे सेठ लोगों की संपत्ति एक और स्वर्ग के सबसे हल्के से हल्के देव की संपत्ति उससे अधिक। आप नहीं समझ में आवे तो ऐसे समझो कि अगर मान लो वो मुनिराज सोधर्म इंद्र हो गए, इंद्र वो तो मुनि मिल गए, अब सोधर्म इंद्र हो गए तो क्या होगा पता है? 32 लाख विमान का स्वामी, कितने विमान? 32 लाख, और एक एक विमान में, बहुत से विमानों में तो असंख्यात असंख्यात देव, और जिनवाणी कहती है उस देव की देवांगनाओं के गले में पड़ा हुआ मोतियों का हार, उसके एक मोती की कीमत चक्रवर्ती की संपत्ति से अधिक है। अब सोचो तुम कितना परिग्रह, यहां अपरिग्रह महाव्रत धारण किया था ना, इस अपरिग्रह महाव्रत के धारण के विकल्प का फल ढेरों परिग्रह आया, इसे महादुख संकट कहें कि नहीं कहें? आचार्य कह रहे, अरे महाराज आप तो स्वर्ग में जाओगे, कि तुम्हें पता, तुम कह रहे हो हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें पता है, आचार्य महाराज कहते हैं कि हमें पता है कि स्वर्ग में जाके हम क्या करेंगे। अरे यहां पर क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के भगवान आत्मा का अतिंद्रिय आनंद भोगते थे, स्वर्ग में जाकर राग रूपी अंगारों में लौटेंगे हम। मैं नहीं कह रहा हूं, पंचास्ती का ही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रवचन सार कह रहा है, 11 नंबर की गाथा खोल के पढ़ो। घी स्वभाव से ही शीतल होता है लेकिन यदि वो अग्नि के संयोग में हो तो वो ही गर्म घी से जल जाते हैं। देखो घी का काम क्या है, कि अगर आप जले हो, जल गए हो, तो घी लगा लो तो वो क्या होता है, ऊपर हाँ वो नहीं होगा,
लेकिन भाई साहब यदि वही घी गर्म हो तो वही घी तुम्हारे को फपोला करेगा। चारित्र आनंददायक दशा है। लोग कहते हैं बेचारे मुनिराज, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? मुनिराज को बेचारा कहने वाले से बड़ा बेचारा दूसरा कोई हो नहीं सकता। कि मुनिराज, मुनिराज माने संवर और निर्जरा तत्व, मुनिराज माने सिद्ध भगवान के पड़ोसी, अरहंत भगवान के पड़ोसी। क्या क्या समझते हो मुनि दशा को? कुछ सामान्य दशा है? अरे गणधर देव का नमस्कार जिस दशा को पहुंचता हो, गणधर देव सामान्य रूप से किसी मुनिराज को सामने नमस्कार नहीं करते, लेकिन द्वाद सांग की जब रचना करते हैं और उसमें जब नमोकार मंत्र की रचना करते हैं, ये नमोकार मंत्र अनादि निधन मंत्र है ना, तो जब इस नमोकार मंत्र की रचना मुनिराज करते हैं तो इसी समय कोई सच्चा भावलिंगी मुनि दीक्षित हुए हो, उनके चरणों में भी जिस गणधर का नमस्कार पहुंचता हो, तीर्थंकर भगवान की सभा के वजीर उनका नमस्कार जिस मुनिराज के चरणों में पहुंचता हो, वो मुनि दशा कैसी होगी जरा कल्पना तो करो। ये कहना कि हम मुनि को नहीं मानते, अरे सत्य तो ये है कि सत मुनि को हम ही मानते हैं, क्योंकि जो मुनि है उन्हें मुनि मानते हैं, इसलिए हम ही मुनि को मानते हैं। सच्चे मुनि मुनि मार्ग को अपनाने वाले मानने वाले हम लोग हैं। मुनि के विरोध का मतलब गुरुदेव श्री बोलते थे संवर निर्जरा तत्व की अस्वीकृति, क्योंकि मुनिराज क्या होते हैं? मुनिराज संवर निर्जरा तत्व के धारी होते हैं। देखो मुनिराज को संवर निर्जरा तत्व कहा, यद्यपि मुनिराज की भूमिका में आश्रय बंद होता है कि नहीं, अभी बताया ना, लेकिन उसको गौण किया। क्यों गौण किया? क्योंकि मुनिराज भी उसको कभी मुख्य नहीं करते। मुनिराज कहते हैं तुम हमारी पहचान शुभ विकल्प से करते हो, तुम हमारा अवर्णवाद करते हो। मैं नहीं कह रहा हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने गुरु भक्ति का अन्यथा रूप जहां वर्णन किया वहां पर यह बात कही कि शुभ राग से मुनि की पहचान कराने में अति व्याप्ति नाम का दोष आता है। क्यों आता है? क्योंकि वैसा शुभ राग तो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि को भी देखा जा सकता है, वो नहीं है पहचान। पहचान है अंतरंग की प्रचुर भाव, प्रचुर स्व संवेदन। कहा ना कुंद कुंद आचार्य भगवान ने क्या कहा कि हम अपने निज वैभव से समय सार बताएंगे। जब आचार्य भगवान ने कहा कि निज वैभव से, तो वैभव सुनकर के, वैभव शब्द सुनकर के बनिया एकदम अलर्ट हो गया कि महाराज कुछ दिखाने वाले हैं। क्यों? अपन लोगों को तो वैभव के नाम पर वही दिखाई देता है, नोटों के बंडल है ना, सोने की चांदी की सिल्लियां डायमंड यही दिखाई देते अपने को, तो है ना, तो अपन अलर्ट हो गए, हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ महाराज। तो उन्होंने कहा आगम का सेवन हो गया काम पूरा। महाराज हम तो वैभव की बात सुनने आए थे, अरे इस वैभव को तो हम धूल से ज्यादा नहीं समझते, हम तो उस वैभव की बात करते हैं जिस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं लागू होती जिस पर, वो तुम्हारा वैभव और तुम भोगोगे, कोई बटवा नहीं सकता जिस वैभव को, है ना। और उन्होंने कहा निरंतर अनुभव में आता हुआ झरता हुआ शुद्धात्मा का स्व संवेदन, अरे वो हमारा निज वैभव है, वो हमारी पहचान है, वो हमारी मुद्रा है, वो हमारी छाप है, वो हमारा ट्रेडमार्क है। होता कि नहीं होता? ये हमारी फर्म का ट्रेडमार्क है। मुनिराज कहते ये हमारा ट्रेडमार्क है, तुमने तो रजिस्टर्ड कराया होगा, हमारा तो अनादि अनंत रजिस्टर्ड है। क्या है हमारा ट्रेडमार्क? के प्रचुर स्व संवेदन, ये हमारा ट्रेडमार्क है। वो वैभव मुनिराज का होता है भाई, समझ में आ गया। अब उस वैभव वाले को कसाई का जितना अंश शेष रहा उसके फल में स्वर्ग मिला, जीवन भर संयम की साधना की उसके फल में असंयम मिला, राग साथ में राग था ना,
तो उसके फल में असंयम मिला, तो बताओ राग के फल को इष्ट फल कहें या अनिष्ट फल कहें। और इसलिए आचार्य भगवान ने सराग चारित्र अनिष्ट फल वाला है यहां से तो प्रवचन सार की शुरुआत की। समस्या हमारी क्या है, जिनवाणी खोल करके लोग पढ़ना नहीं चाहते। अरे साहब ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा भाई अपनी मति कल्पना से अनंत बार इस मार्ग का सेवन किया, एक बार ज्ञानी धर्मात्माओं की आज्ञा के अनुसार इस वीतरागी मार्ग का सेवन करो, तुम्हारी मति कल्पनाओं से मार्ग नहीं चलेगा, मार्ग तो मार्ग के हिसाब से चलेगा। सराग फल अनिष्ट फल वाला है ये आचार्य कुंद कुंद के वचन है। निकालो गाथा, एक दो मिनट में पूरा कर रहा हूं ना, टाइम हो ही रहा है, दो मिनट में पूरा कर, वो भी निकाल ही लो, फिर क्या गया वो विषय आ जाएगा आगे अपना। देखो मैं गाथा बोलता हूं भैया, ये गाथाएं मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जिससे आपको ये ख्याल में आवे कि ये कोई मैंने कोई मन की बातें नहीं है। देखो गाथा नंबर 6, मैंने 5 गाथा तक मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के साथ ही पहली गाथा में यानी 6 नंबर की गाथा में क्या कहते हैं, अब वे ही मैंने कुंद कुंद आचार्य देव वीत राग चारित्र इष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी उपादेयता और सराग चारित्र। एक बात और ध्यान देना कि ये दो चारित्र दो व्यक्तियों के पास नहीं होते, एक ही व्यक्ति के चारित्र के दो प्रकार होते हैं, वीतराग परिणति वो वीतराग चारित्र है, और उस वीतराग परिणति के साथ में राग शेष रहा तो सराग चारित्र कहते हैं, अर्थात राग सहित चारित्र। चारित्र राग चारित्र नहीं है, ध्यान से सुनना, राग चारित्र नहीं है, लेकिन चारित्र के साथ में यदि राग हो तो उसे सराग चारित्र कहा जाता है। तो उसके लिए आचार्य क्या कह रहे हैं कि सराग चारित्र आगे पढ़ लो अनिष्ट फल वाला है, इसलिए उसकी हेयता का विवेचन करते हैं। समझा गया? अब हेयता में कथनचित हेयता के सब सर्वथा हेयता, देखो छूटे भले ही नहीं लेकिन छोड़ने योग्य है तो सर्वथा छोड़ने योग्य है, श्रद्धा में इतना स्वीकार तो आना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोगों में ही ये ध्वनि भी उठने लगी कि नहीं नहीं कथनचित उपादेय है, कथनचित है। जैन दर्शन में पुण्य की कथनचित उपादेयता स्वीकार नहीं की गई है, छूटे कि नहीं छूटे है तो सर्वथा है। समझाया कि नहीं है? बीमारी कथनचित उपादेय के कथनचित है कि सर्वथा है, सर्वथा है मानने पर भी सर्वथा उसी समय छूट जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन वो अभी नहीं छूटेगी इसलिए मैं उस बीमारी को कथनचित उपादेय मान लू ऐसा भी कभी नहीं होगा। समझाई बात? इतनी सारी बातें ये सब आगम के आधार पर प्रमाण दे करके आपके सामने रखी और आगे इसकी विशेष चर्चा आगे करेंगे।